घर पर ही बेसन से तैयार किए गए फेस पैक्स लगाकर देख लिए तो पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट्स और फेशियल की नहीं पड़ेगी जरूरत। जानिए इन फेस पैक्स को तैयार करने का तरीका। बेसन को जितना खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है उतना ही लोग इसे स्किन केयर का हिस्सा भी बनाते हैं। बेसन में त्वचा से डेड स्किन सेल्स हटाने, चेहरा निखारने और टैनिंग कम करने के गुण पाए जाते हैं जो महंगी क्रीम से भी नहीं हो पाता। सही तरह से बेसन का इस्तेमाल किया जाए तो आपको पार्लर से किसी तरह के फेशियल कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मिनटों में ही त्वचा घर बैठे बैठे ही चमक जाएगी। यहाँ जानिए बेसन के एक या दो नहीं बल्कि पूरे चार कमाल के फेस पैक्स बनाने के तरीके। इन फेस पैक्स से स्किन इस तरह निख जाएगी कि आप खुद तो इसे लगाएंगी ही साथ ही अपनी सहेलियों को भी कहेंगी कि इस नुस्खे को आजमा कर देख लें। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको बेसन, नींबू और दूध की मलाई की जरूरत होगी। सबसे पहले एक कटोरी में दो चम्मच भरकर बेसन ले लें। इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की डालें और एक चम्मच भरकर मलाई मिला लें। पेस्ट बहुत गाढ़ा ना हो इसके लिए पानी या दूध डालकर अच्छे से मिलाएं। बस तैयार है आपका फेस पैक। चेहरे पर 15 से 20 मिनट इस फेस पैक को लगाए रखने के बाद चेहरा धोकर साफ कर लें। फुंसियों और एक्ने वाली स्किन के लिए बेसन का यह फेस पैक बेहद अच्छा साबित होता है। इस फेस पैक को बनाने के लिए दो चम्मच बेसन में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं और पानी डालकर पेस्ट तैयार करें। इसे 15 मिनट चेहरे पर लगाए रखने के बाद धोले चेहरे पर सुनहरा निखार तो आएगा ही, साथ ही स्किन पर ब्रेकआउट्स नहीं होंगे और दाने नजर नहीं आएंगे। ऑयली स्किन से परेशान लोग इस फेस पैक को लगाकर देखें। चेहरे से चिकनाहट हटाने में यह फेस पैक बेहद असरदार है। आपको करना बस इतना है कि जरूरत के अनुसार बेसन लेकर इसमें गुलाब जल मिलाना है और मुलायम पेस्ट बना लेना है। इस फेस पैक को कुछ देर चेहरे पर लगाए रखने के बाद चेहरा धोकर साफ करें। त्वचा निखर उठेगी और चिपचिपी भी नहीं दिखेगी। एक्ने और फुंसियों वाली त्वचा के लिए यह फेस पैक भी अच्छा रहेगा। इस फेस पैक से त्वचा को जरूरी नमी भी मिल जाती है। फेस पैक बनाने के लिए दो चम्मच बेसन में एक चम्मच शहद मिलाएं। पेस्ट ज्यादा गाढ़ा हो तो शहद की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस तैयार फेस पैक को चेहरे पर 20 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें। हफ्ते में एक बार इस फेस पैक को लगाया जा सकता है।